अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दो, सो मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। सो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, ये फॉक्सवैगन वेंटो है 1.6 टीडीआई इंजन। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसका जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर बार बार शॉर्ट हो जा रहा है, मतलब शॉर्ट इंजेक्शन से एक्टिव स्टार्टिंग का फॉल्ट आ रहा है। सो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं कैसा सॉल्व करूंगा और क्या क्या स्टेप इसमें फॉलो करने पड़ेंगे, आज की वीडियो में सब कम्प्लीटली बताऊंगा मैं। आप देख सकते हैं एकदम इंजन एकदम स्मूथ है और अंदर कॉइल लाइट भी ब्लिंक नहीं हो रहा, और जब आप देख सकते हैं ये देखो ऐसा, देखो मिसिंग होना स्टार्ट है, देखो बंद पड़ेगा। सो मतलब प्रॉब्लम यही है, इसका जो वायरिंग है, वायरिंग किधर से तो लूज कर। हाँ स्टार्ट कर एक बार, ये देखो जर्क हो रहा है, जब मैंने इसको फटके मारा ना, फटके मारने पे हिलने लग गया। तो मेरे को इसका जो वायरिंग का, जो इंजन वायरिंग हटने से वो चेक करना पड़ेगा, किधर तो कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ये देखो कितना हिल रहा है, मतलब पूरा जर्क हो रहा है, और अभी थोड़ा टाइम ये वेट कर लूँ तो स्मूथ हो जाएगा, और जब एकदम रॉकेट में खींचूंगा ना तो फिर जर्किंग जर्किंग इशू आ जाता है। सो ये कंफर्म हो गया, यही किधर लोकेशन से इसका किधर लूज कॉन्टैक्ट है। आप देख सकते हैं मैंने ऑडिस कनेक्ट किया हुआ है। सो आपको मैं बताया था इसमें इंजेक्टर बार बार उड़ने का इशू आ रहा था, और सेकंड थिंग क्या, इंजेक्टर एक और रीजन से उड़ता, जब इसका बोलते हैं ना इंजेक्टर कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं रहता है ना, तो भी इंजेक्टर नॉकिंग कर करके उड़ जाता है। तो ऐसा सीन होता तो क्या करता था मैं, जो इसका इंजेक्टर है उसको कैलिब्रेशन करता तो हो जाता था, बट इसमें कैलिब्रेशन में करने गया बट इसमें कैलिब्रेशन भी एडेप्ट हुआ नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं देखो, ये देखो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का ये सॉफ्टवेयर, ये अपडेट किया मैंने इसका ऑनलाइन अपडेट 9977 बोल के, ये अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है VW का 1.6 का वो अपडेट है, पहले इसमें ओल्ड अपडेट था। ये देखो बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखो 9293 करके सॉफ्टवेयर था, ये देखो यही गाड़ी का नंबर है, ये देखो सेम चेसिस नंबर सेम है। सो क्या मैंने इसको अपडेट करा के ले लिया था, ये देखो ये अपडेट करा के ले लिया मैंने। सो ये सबसे क्या, मैंने इसका इंजेक्टर कैलिब्रेशन किया बट फिर भी क्या हो रहा है उसमें, सडनली चलते चलते नॉकिंग कर रहा है, और नॉकिंग कर रहा है, सिलेंडर वन का मिस फायर का फॉल्ट दिखा रहा है, सिलेंडर वन इंजेक्टर का फॉल्ट दिखा रहा है। सो अभी मैं बता था आपको, मतलब मल्टीपल मिस फायर हो रहा हूँ, कभी हो रहा है तो कभी नहीं हो रहा है। अभी देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं है, नो DTC कुछ नहीं है, फिर कभी मैं स्टार्ट करूंगा ना तो फिर कॉइल लाइट दिखा रहा है देखो। अभी मैं स्विच ऑफ किया हुआ है, अभी स्विच ऑफ किया है, थोड़े टाइम रुकने के बाद कभी दिखाएगा कभी नहीं दिखाएगा, और डिपेंड है। ये देखो कॉइल लाइट दिखाया, तो कैलिब्रेशन के बाद भी ये इशू आ ही रहा है इसमें। देखो अभी कैलिब्रेशन करने के बाद मैं चला मस 120 130 और 4500 RPM खींचा, बंद कर अभी रुके, तो अभी बंद करता हूँ, अभी शायद नहीं होगा क्योंकि मल्टी कभी होता, मतलब एक बार होता है तो एक बार नहीं होता, ऐसा इशू आ रहा। ये देखो, और इसमें अभी DTC स्कैन करता हूँ मैं, ये देखो इंजेक्टर सर्किट पैसिव स्पॉटिंग, मतलब ये जो पैसिव स्पॉटिंग भी आ रहा है, कभी एक्टिव स्टैटिक भी आ रहा है। आपको मालूम है एक्टिव स्टैटिक आता मतलब फेल रहता है, अगर वो जब लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था और मिसिंग हो रहा था, अगर मैं तब स्कैन करता तो उसमें एक्टिव स्टैटिक लिख के आता था, बट अभी प्रॉपर हो गया तो पैसिव स्पॉटिंग आ रहा है।
तो इन शॉर्ट क्या है इसमें, मेरे को इसका वायरिंग चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका सॉफ्टवेयर तो लेटेस्ट वाला अपडेट कर दिया, जो भी सॉफ्टवेयर इसका फ्लो मीटर जो भी था वो जो TPI होता है उसके हिसाब से अपडेट कर दिया हूँ मैं। सो अभी मेरे को इसका क्या वायरिंग चेक करना पड़ेगा, वायरिंग होगा फ्यूज़ हो गया कहाँ से तो वोल्टेज ड्रॉप करता रहेगा इसकी वजह से, और जो पहला नंबर का जो वायरिंग का लूम है वही मेरे को खोल के चेक करना पड़ेगा। सो क्या थोड़ा है कंसर्न वाला थोड़ा काम है क्योंकि कस्टमर का कहना है कि पहले भी बोलते ना 8-10 इंजेक्टर से रिप्लेस हो चुका है, तो वो हिसाब से अपने को भी अभी प्रॉपरली चेक करना होगा क्या है क्या मिस्टेक है। आप देख सकते हैं, आपको पहले बताया था इसमें मैं ऐसा जब ठोकता था ठोकने पे गाड़ी बंद हो जाता था विच मीन ये जर्किंग होके, इसका इलेक्ट्रिकल थोड़ा वीक था मतलब किधर, तो हिसाब से मैंने जितने भी इंजन वायरिंग हार्नेस है ना पूरा रिप्लेस किया है, उसका मैं वीडियो नहीं बना। रीज़न है कि बहुत ऐसा कंजस्टेड एरिया है, ये बोल देना ये सब खोलना पड़ जाता है पाइप्स हो गया एंड ऑल, क्योंकि ये अभी दिख रहा है एकदम परफेक्टली लगा हुआ है। सो हिसाब से क्योंकि पूरा वायरिंग लूम में यहाँ से लेके पूरा घुमा हुआ रहता है, उस हिसाब से नहीं बना पाया। और इसका मल्टी फ्यूज जो पूरा रश पक रहा था उसको भी पूरा प्रॉपरली क्लीन कर दिया हूँ मैं। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट तो हो ही गया परफेक्ट दिखाता हूँ। और कल रात में बोलते 160-170 तक गाड़ी खींचा, सिर्फ टर्बो लैग कर रहा है सू सू करके नॉइज़ आ रहा है, विजलिंग नॉइज़ आ रहा है। तो हिसाब से अभी मेरे को उसका टर्बो चेक करना है, मेरे हिसाब से तो टर्बो गया ही होगा क्योंकि एक बार ऑयल का लाइट भी ब्लिंक किया था, ब्लिंक होके बंद हो गया था। तो हिसाब से वो टर्बो चेक करना है मेरे को, और सेकेंड थिंग गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दो क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो बोल्ट है ये भी ऑल्टर किया हुआ है, 13 नंबर का बोल्ट लगा है। सो इसमें आता बोल्ट ये, अब मैं ये बोल्ट लगाने जा रहा था इसमें बट नहीं लग रहा है क्योंकि इसका जो थ्रेडिंग है थ्रेडिंग बड़ा कर दिया है, मतलब ये ओवर साइज बोल्ट है, 13 नंबर का बोल्ट है, ये 8 के आसपास का बोल्ट आता है। सो नॉर्मली क्या होता है BW में, बोल्ट अगर ओरिजिनल वाला नहीं लगाते अपन तो बोल्ट इंजेक्टर है ना बाहर फेंक देता हूँ, इतना इसकी इसमें प्रेशर रहता है। बट कल 160-170 ऐसा खींचा रात भर में, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो विच मीन एक मान के चल सकते ये मतलब परफेक्ट है क्योंकि पहले जब आया था तो मैं 80 के स्पीड में भी था तो खुल गया था। सो मैंने उसको थोड़ा वाइसर विसर करके सेटिंग वेटिंग करके कर तो दिया, तो उसके बाद चलाया तो अब तक कुछ हुआ नहीं है। सो अभी मैं स्टार्ट करके बताता हूँ मैं आपको, स्टार्ट कर। आप देख सकते कोल्ड स्टार्ट है, अभी सुबह से स्टार्ट नहीं थी गाड़ी, कोल्ड स्टार्ट में भी एकदम परफेक्ट है। ये देखो पहले मारने पे सब बंद होता था, अभी कुछ है ही नहीं इसमें, ये सब देखो तो पहले इशू कर रहा था, मैंने पूरा वायरिंग लूम ही इसका बदल दिया था। इतना प्ले दिखा रहा है, ये टर्बो डालना पड़ेगा, मतलब इनिशियल जो बूस्ट मांगता है ना किधर किधर लैग कर देता हूँ मैं, देखो वो हिसाब से। आप देख सकते हैं मैं इसका टर्बो खोल रहा हूँ, टर्बो में बहुत प्ले, और जब बाहर आएगा तब दिखाता हूँ मैं। सो इसके लिए मैं देख सकते हैं साइलेंसर को निकाल दिया हूँ। सो ये पाइप है ये सब खोलना है मुझे, मतलब इन शॉर्ट फिटिंग्स है, थोड़ा कंजस्टेड एरिया है, मीन्स ईजी है कुछ है नहीं। ये देखो ये सब बोल्ट दिए हुए इसके, ये देखो ये सब बोल्ट आ गया, ये सब बोल्ट, ये सब खोलना है और इजीली खुल जाएगा। मतलब इसको दो तरीके से खोल सकते हैं, ये खोल के यहाँ ऊपर से भी निकाल सकते चाहिए तो, या फिर नीचे सफ्रेम खोल के भी ले सकते हैं। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ ऊपर से निकालने का, पाइप से खोलना होगा। ये देखो ये सब पाइप से, तो सब खोलूँगा उसके बाद निकलेगा ये। आप देख सकते हैं इसका मैंने टर्बो चार्जर निकाल दिया पूरा, ये यहाँ से आ गया इजीली, आप देख सकते हैं इसका खोला था यहाँ से, मैं इसको इजीली निकाल दिया। सो आप देख सकते हैं ये इसका इलेक्ट्रॉनिकली एक्चुएटर है G581, ये मैं इसके लिए लूज़ किया सो दैट इधर का पाइप है पाना लग जाए और इजीली खुल जाए बोल के।
ये तो लगा दूंगा, और इसको अभी रॉड है ये जो, इसको खोल के निकाल दूंगा ये। और इस पर सेटिंग है, मतलब जितना भी अच्छे से अच्छा टर्बो डालो, अगर इसका आप कैलिब्रेट नहीं करोगे फिर भी इशू आएगा टर्बो चार्जर अंदर बूस्ट का, रेंज परफॉर्मेंस का, ये सब फॉल्ट को इसमें क्रिएट करेगा। तो इस हिसाब से ये कैसा कैलिब्रेट होता है मैं बता दो जब फिटिंग वीटिंग हो जाएगा। देख सकते हैं मिलता क्या है, इसका टर्बो का कोर है, ये देखो ये पूरा चले गया है, देखो देख सकते हैं ऐसा बोल्ट दिया हुआ है 10 नंबर के, ये सब ऐसा पूरा राउंडिंग में 6 बोल्ट है, 6 बोल्ट खोल दूंगा और ये पोर्शन बाहर आ जाएगा इसे। आप देख सकते हैं इसका टर्बो का कोर है, ये देखो ये मैं निकाल दिया हूँ, कुछ है नहीं। फिटिंग कैसा होता है मैं बता दो, बाकी एकदम सिंपल है, जस्ट ऐसा लग जाता है। देख सकते हैं नया टर्बो का कोर में लेके आ गया, जो इसका एडेप्टर है ये वाला ऑयल का, वो मैं जूना वाला ही लगा है क्योंकि नया वाले के साथ आया नहीं है, बट बाकी चीज़ एकदम है जो है, सभी मैं बताऊँगा इसको इंस्टॉल कैसा करने का। आप देख सकते हैं वेस्टेज का ये कंट्रोल है, ये वेस्टेज को कंट्रोल करता है ये जो मैं हिला रहा हूँ ना, ये देखो। सो इसके इधर इसका वेस्टेज का जो असेंबली है वो लगेगा, आप देख सकते हैं इसका वेस्टेज का वॉल है, ये देखो ये खुलता बंद होता है, ये देखो अंदर जो दिखता होगा आपको, ये देखो ये ओपन क्लोज होता है। सो ये अभी इस पर लगेगा, इस पर होल दिया हुआ है, ये देखो ये होल, और इस पर भी होल दिया हुआ है। सो ये होल है, ऐसा लगने वाला है, और इसका वेस्टेज का जो नॉब है ये देखो ये, हाँ ये देखो बैठ गया। सो ये जब लगने का अपने ध्यान देना, फ्रीली बंद चालू होना चाहिए, देखो आप देख सकते हैं ये इसका इंटेक का हाउसिंग है, और ये इसका इंटेक का टर्बाइन है टर्बो का, और इसका ये एग्जॉस्ट का है, और ये जो ऊपर में लगा था आपको दिखाया था जिसपे फ्लैप ओपन क्लोज होता है, ये इसका VGT है, मीन्स वेरिएबल ज्योमेट्रिक टर्बो। सो ये कैसा वेस्टेज जैसा खुल बंद होता है ना, वही हिसाब से इसका फ्लैप है जो बंद चालू होता है। सो ये सो मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो पोर्शन को है पहले इस पर डाल के लेना होगा, और इसके 30 mm के स्क्रूज है, सिम नाम के लिए लगाना पड़ेगा, टाइट नहीं करना होगा क्योंकि इसका क्या अपने को सेंटर लेना पड़ता है, वो हिसाब से सिम लगाना होगा इसको। आप देख सकते हैं मैंने इसका एक्चुएटर लगा दिया, और आपको बोला था ये 30 mm का जो बोल्ट है वो एकदम फ्रीली रखना है, ये देखो ऐसा पकड़ो। सो आप देख सकते हैं ये इसका सेटिंग है, तो मेरे को बाद में कैलिब्रेट करना पड़ेगा ये देखो, या ऐसा चेक करने का कि ऊपर नीचे एकदम फ्रीली होना चाहिए, अगर नहीं होता रहता है तो अपन क्या करते हैं इसको थोड़ा घुमाते हैं, ये देखो देखें इसके लिए वो लूज़ रखने बोला था मैं, और ये थोड़ा ऊपर मतलब टच नहीं होना चाहिए इससे जो बोल्ट है, क्योंकि कभी सेटिंग नहीं हुआ तो क्या अपन ऊपर नीचे करेंगे तो क्या ये जो बोल्ट है वो स्टक होने का चांस रहता है, तो इसके लिए अभी परफेक्ट है ये देखो। सो इस पर अभी टाइट कर देंगे अपन, जो इसका 30 mm का स्क्रूज है ये टाइट कर देंगे, ये ऐसे ही लगा ला है, सिर्फ नाम के लिए सेंटर मिलाने के लिए लगा ला है। सो अभी ये आ गया एकदम परफेक्ट, सो अभी बोल्ट टाइट कर दूंगा और इसको जगह पे लॉक कर दूंगा मैं। सो अभी मुझे क्या करना है, ये असेंबली को इसका जो एग्जॉस्ट का पोर्शन है एग्जॉस्ट के पोर्शन में डाल देना है, ये देखो आप देख सकते हैं पैकिंग दिया हुआ है, ये देखो इसका पैकिंग है, और इसका पिन है, ये देखो देख सकते हैं इधर एक पिन दिया हुआ है, और ये बॉडी पे भी होल दिया हुआ है देखो। सो आप समझ गए रहेंगे ये जो पोर्शन है पोर्शन ऐसा बैठ जाएगा, बीच में जो होल है होल उससे मैच हो जाएगा, और इजीली जो कोर है कोर ये टर्बो में फिट हो जाएगा। ये होने के बाद फिर से गाइडेड फंक्शन में जाने का मेरे को, और रीसेट इंजन एडेप्टेशन वैल्यू उसको एक्सिक्यूट करना मेरे को। यस डन एंड कंटिन्यू। सो
तो यहाँ पे लिखा है देखो चौथा ऑप्शन एडेप्टेशन ऑफ टर्बो चार्जर। सो चौथा को क्लिक करेगा स्टार्ट द इंजन लर्न। हाँ मेरा इंजन स्टार्ट ही है। सो डन एंड कंटिन्यू। सो ये प्रोसेस है एक मिनट तक चलेगा। अच्छा सर बीच में लेता हूँ।